हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज बसों के पहिए थमे, विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी बस स्टैंड के गेट पर धरना देकर बैठे। चक्का जाम के चलते यात्री हुए परेशान। इधर सरकार ने किया डीए बढ़ाने का ऐलान। जोधपुर में रोडवेज कर्मचारियों के विभिन्न लंबित मांगे पूरी नहीं होने पर मंगलवार रात 12 बजे से रोडवेज बसों के पहिए थम गए। इसके चलते संभाग के हजारों की संख्या में यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। रायकाबाग बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में बसें खड़ी रही, लेकिन वे वहां से रवाना नहीं हो सकी। रोडवेज कर्मचारी अपने मांगों को लेकर बस स्टैंड के गेट के बीच में धरना देकर बैठ गए, जिससे यहां आवागमन बंद हो गया। चक्का जाम को देखते हुए यहां काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि रोडवेज कर्मचारियों का एक धड़ा हड़ताल में शामिल नहीं हुआ। हड़ताल का आह्वान संयुक्त मोर्चे ने किया है। परिवहन मंत्री का वैकल्पिक व्यवस्था का दावा भी खोखला साबित हुआ है। हड़ताल के 12 घंटे बाद भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आई। इधर राज्य सरकार ने हड़ताल के पहले दिन रोडवेज कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारी मंगलवार देर रात 12 बजे हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी आगामी 2 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में रोडवेज के पहिए थमे रहने की संभावना बलवती है। कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने पर रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।